क्या दो धर्मों के वर्ग को पास लाने की तैयारी है इस डायरेक्टर की? किस तरह राम सिया की जोड़ी हमें मनुष्य रूप में देखने को मिल सकती है? कैसा होगा फिल्म का अल्टीमेट क्लाइमेक्स सीन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज की फिल्म दुनिया में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो निर्देशक के राघवेंद्र राव के साथ एक सहायक के रूप में शामिल हुए और टेली सीरियल शांति निवासम में काम करने वाले डायरेक्टर SS राजामौली ने लंबी फिल्मों की पारी तय की है। हालांकि दोस्तों उनके सीनियर्स बारामुल्लापुरी और चंद्रशेखर को उनकी तुलना में अधिक महत्व मिला। नतीजन दोस्तों डायरेक्टर ने कड़ी मेहनत की जिससे उन्हें के राघवेंद्र राव के वॉकिंग डेविल का खिताब दिलाया। उन्हें मगधीरा 2009, ईगा 2012 और बाहुबली द बिगनिंग 2015 जैसी फैंटेसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में बन गई और विश्व स्तर पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाहुबली पहली ऐसी दक्षिण भारतीय फिल्म है जिसने दुनिया भर में 650 करोड़ से अधिक की कमाई, पहली गैर हिंदी फिल्म जिसने हिंदी संस्करण में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर डायरेक्टर का कौशल पूरी दुनिया में बताया है। तो दोस्तों अब बारी है फिल्म RRR की, जिसका दिवाली से कुछ समय पहले दशहरा पर रावण दहन के साथ रिलीज का शुभारंभ होगा। जी हाँ, आपको नहीं मालूम अभी तक तो बता दो दोस्तों कि डायरेक्टर की अगली बड़ी पैन इंडिया फिल्म RRR 13 अक्टूबर को रिलीज की जानी है। बॉलीवुड टॉलीवुड के गंगा जमुना वाले इस मिश्रण से तैयार इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह देखा जा सकता है। दोस्तों ये एक पीरियोडिक फिल्म बताई जा रही है जिसमें रामचरण और जूनियर NTR मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये किरदार डायरेक्टर के पिता KV विजयेंद्र प्रसाद द्वारा इतिहास से लिए गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम और अल्लूरी सीतारामन राजू की, जो जनजातीय समूह के नेता थे। तो दोस्तों फिल्म की कहानी 1900 में सेट की जाएगी और अब फिल्म को लेकर नई खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि फिल्म RRR दो भागों में बनने वाली एक पैन इंडिया फिल्म होगी। फिल्म के एक भाग में जहां दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के असल जीवन को दिखाया जाएगा, वहीं फिल्म के अगले भाग में दोनों को एक अलग अवतार में दिखाया जा सकता है। इन अवतारों में सीता राम राजू को भगवान राम के अवतार में दिखाया जाएगा, वहीं भीम के किरदार को एक मुस्लिम इंसान के रूप में दिखाए जाने की बात सामने आई है। ये काफी अद्भुत और अलग कहानी होने वाली है जो काफी कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा कर सकती है। दर्शकों ने भगवान राम के रूप में रामचरण को देखकर कई सारे अनुमान लगाने भी शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों बता दूं कि कुछ का कहना तो ये भी है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ताकि हिंदू दर्शकों को फिल्म की ओर खींचा जा सके, तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अपनी इस फिल्म से रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को अद्भुत तरीके से पेश करने वाले हैं डायरेक्टर। तो दोस्तों आपको याद तो होगा ही कि फिल्म मगधीरा में भी काल भैरव को मारने के लिए शेर खान को दिखाया जाता है। दोनों ही किरदारों के दो जन दिखाए जाते हैं और दोनों किरदारों के बीच एक मैत्री मित्रता या फ्रेंडशिप दिखाई जाती है हर जन्म में। तो दोस्तों इसी तरह ही कुछ हमें फिल्म R4 में देखने को मिल सकता है। दोनों सेनानियों का अलग धर्मों को फॉलो करना, लेकिन दोनों में असमानताएं होने के बावजूद स्वतंत्रता की भूख एक सी है। वहीं दोनों के दूसरे जन्म में क्या कहानी होगी ये फिलहाल रहस्यमय है, लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि फिल्म के बाद जय वीरू की जोड़ी जैसे राम और भीम की जोड़ी कहलाई जाएगी। शायद दोस्तों फिल्म के जरिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के हमारे भाइयों के बीच एक मैत्री का संदेश पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई है डायरेक्टर ने। अगर आप डायरेक्टर की फिल्म देखें तो उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियों को हमेशा उनके प्यार का इंतजार करना पड़ता है और इसी बीच विलन की एंट्री दिखाई जाती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि विलन की पूरी होगी इस फिल्म में, वो भी अंतरराष्ट्रीय विलन के रूप में। तो दोस्तों फिल्म में कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश राज देखने को मिलेगा, साथ ही मणिकर्णिका के जैसे आपको फिल्म में कई स्टंट सीन देखने को मिलेंगे क्योंकि इस फिल्म के लिए भी वही एक्शन डायरेक्टर हैं। तो फिल्म में राम और सीता की प्रेम कहानी को आम इंसानों के रूप में दिखलाया जाएगा, जो काफी मजेदार होगा देखने में, क्योंकि दोस्तों सीता के रूप में हमें आलिया भट्ट पहली बार एक घरेलू अवतार में नजर आएंगी। फिल्म में रामचरण का भगवान राम की तरह धनुष उठाना और जूनियर NTR का स्कल कैप पहने दिखाया जाना एक इशारा, संकेत या फिर कुछ इन किरदारों से जुड़ाव हो सकता है। और शायद आप भूल गए हो, लेकिन हाल ही में अजय देवगन के किरदार के खुलासे को हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। एक डाकू के रूप में नजर आए अजय देवगन का आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है इस फिल्म की कहानी से? क्या वो एक पॉजिटिव किरदार में होंगे या फिर किसी नेगेटिव किरदार में? तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह चारों तरफ से अंग्रेजों की फौज द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, तो इतना तो तय है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी तो नहीं की है। अब उनका क्या मिशन है और कैसे
कैसे वो फिल्म में अपने मिशन को पूरा करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिल्म के अल्टीमेट क्लाइमेक्स सीन की बात करें तो इसमें भी काफी पैसा बहाया जा रहा है। डायरेक्टर की फिल्मों की खासियत उनके एक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए अविश्वसनीय हथियार और विशेष टेक्निक है। तो दोस्तों फिल्म RRR से दर्शकों की कामनाएं काफी बढ़ चुकी हैं क्योंकि बाहुबली के बाद फिल्म RRR के शेयर किए गए सभी पोस्टर्स और टीजर प्रॉमिसिंग नजर आए हैं। वहीं आपका क्या कहना है फिल्म के अगले भाग के यानी R4 के बारे में हमें जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है सिमरन रावत।